Yes, students, today we are going to do a topic of HCF-LCM. आज जो नया टॉपिक हमने करना है वो HCF-LCM. सुना ही होगा आपने क्या होता है HCF क्या होता है आपका Highest Common Factor. LCM क्या होता है Least या फिर Lowest Common Multiple. बट चलो ये तो इनकी फुल फॉर्म होगी. हमने जब करना है तो करना है कैसे, इसको क्वेश्चन को कैसे करना है. आपके पास क्वेश्चन आएगा सपोज बेसिक, बिल्कुल बेसिक से डील करते हैं. सपोज एक वैल्यू दी है मैंने आपको 6, 12, 18 और मैं आपको क्या बोलता हूँ कि इसका एचसीएफ निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, वो वाला फैक्टर जो कि वो वाली वैल्यू जो कि इन तीनों को डिवाइड कर दे और डिवाइड करने वाला इससे बड़ा कोई और ना हो. जैसे कि इनको डिवाइड करने वाली वैल्यू कौन कौन सी है, इनको डिवाइड करने वाली कॉमन वैल्यू 1 है, 2 भी है जो इन सबको डिवाइड कर देता है, 3 भी इन सबको डिवाइड कर देता है एंड 6 भी इन सबको डिवाइड कर देता है, इससे बड़ी तो कोई वैल्यू नहीं है. अब ये सारे फैक्टर हो गए कॉमन, लेकिन मुझे कौन से वाला फैक्टर लेना, वो वाला फैक्टर जो सबसे बड़ा हो. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ 6, इसका मतलब इन तीनों का एचसीएफ जो हो गया वो क्या हो गया 6. सपोज कोई और वैल्यू आती है 24, 54. अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तो हमारे पास पुराना मेथड होता है जो हम डिवाइड वाला करते हैं ऐसे. आपने 24 को डिवाइड किया, ठीक है 54 को डिवाइड किया 24 से, 2 पे हुआ 48, बच गया क्या 6. अब इस 6 को ऐसे ही रखो और ये वाली वैल्यू को नीचे ले आओ, 6 4 24, पूरा कैंसिल हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा ना. इसका मतलब जो 6 है ये 6 24 एंड 54 का क्या है एचसीएफ. अगर ये वैल्यू 2 की बजाय 3 होती है, अगर आपके पास सपोज ये 24 भी है 54 भी है, वैल्यू चेंज करते हैं, वैल्यू लेते हैं 24 54 एंड 32. अब मैंने इन दो का निकाल लिया था, इन दो का मेरा एचसीएफ क्या आया था 6. इस 6 से इस 32 को डिवाइड करो, 6 5 30, बच गया 2. इस 6 को नीचे ले आओ, 2 3 6, पूरा कैंसिल हो गया. इसका मतलब इन तीनों वैल्यूज का जो एचसीएफ है वो क्या है हमारा 2. सो दिस इज कॉल्ड एचसीएफ. अब इसी तरह से हम एलसीएम भी करते हैं. एलसीएम में क्या आएगा आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल. वैल्यू है मेरे पास 12, 18 एंड 36. लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होगा, वो वाली वैल्यू जैसे हमने एचसीएफ में किया था, तब हमने ये किया था कि वैल्यू थी मेरे पास 6, 12 एंड 18, तो वो वैल्यू जो इन तीनों को डिवाइड कर दे और डिवाइड करने वाला उससे बड़ा कोई ना हो वो एचसीएफ होता था. इसमें क्या करना है कि वो वाली वैल्यू जिसको ये तीनों डिवाइड करेंगे और डिवाइड होने वाला उससे छोटा कोई और ना हो. करने का तरीका क्या है, इसको आप पहले भी कर चुके हो ये चीज. मेथड क्या होता है इसका, हमारा ये मेथड है कॉमन सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करो. सपोज 2 से कर लो, 2 पे 6 देन 9 एंड 18. कॉमन से 3 ले लो, अब इसमें 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 6 18. After that फिर से कुछ कॉमन लो, 2 तो कॉमन नहीं आ रहा, 2 लग रहा है तो 2 ले लो, 2 1 2, 3 3 रहेगा, जो नहीं डिवाइड होता उसको एज इट इज पूरा लिखते हैं हम. देन 2 3 6, अब 3 कॉमन ले लो, 1 बाय रहेगा 1 एंड 1. अब एलसीएम क्या होगा इसका, 2 × 3 × 2 × 3, तो 2 3 6, 6 2 12, 12 3 36. इसका मतलब जो इन वैल्यूज का एलसीएम आया वो क्या आया 36. ठीक है, ये वाली वैल्यू लिख दी. देखो इसमें एलसीएम में क्या करना था, मैंने ये वाला था एलसीएम, तो इन सबको मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 × 3 × 2 × 3, वो कितना आ गया 36 आ गया. ओके, और भी टाइप आती है इसमें हमारी, आपको वैल्यू कई बार इस फॉर्म में गिवन होती है 2 रेस्ट टू पावर 3
5 raised to power 3, 3 raised to power 2, 7 raised to power 1 into 11 raised to power 2. एक और वैल्यू गिवन है 2 raised to power 4, 3 raised to power 5, 5 raised to power 2, 7 raised to power 2, 11 raised to power 2. एक और वैल्यू है 2 raised to power 5, 3 raised to power 3, 5 raised to power 1, 7 raised to power 3 into 13. अब इन वैल्यूज का वो आपको बोलता है कि आपको क्या निकालना है एचसीएफ. अगर इस टाइप से वैल्यूज हो और अगर एचसीएफ निकालना है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि कॉमन वैल्यू लेनी है पहले तो आपने जो सब में हो. अगर हम देखें इन सब में 2 है हमारे पास और 2 की पावर जो लेनी है वो लेनी है लीस्ट, मतलब कि कॉमन फैक्टर लेना है और पावर लेनी है लीस्ट. तो 2 का सबसे लीस्ट पावर यहां 5 है, यहां 4 है, यहां 3 है, तो सबसे लीस्ट पावर क्या होगी 2 की पावर 3. फिर आपने नेक्स्ट फैक्टर चेक करना है, नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है 3. 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है और 3 यहां पर भी है. लीस्ट पावर क्या है 2, तो 3 raised to power 2. फिर हमने लेना 5, कॉमन फैक्टर लेना जो सब में हो. 5 यहां पर भी है, यहां पर भी और यहां पर भी है, तो पावर 3 इधर है, पावर 2 इधर है, पावर 1 इधर है, तो लीस्ट पावर 1 होगी. 7 कॉमन फैक्टर, 7 सब में है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, पावर सबसे कम कौन सी है 1. अब आगे कुछ आपने नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि 11 सब में नहीं है और 13 भी सब में नहीं है, सिर्फ कॉमन फैक्टर लेने हैं. कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर, सो दिस इज कॉल्ड एचसीएफ ऑफ दीज वैल्यूज. इन्हीं वैल्यूज का अगर मुझे एलसीएम लेना हो, सपोज कि इन्हीं वैल्यूज का मुझे एलसीएम लेना है. जब हम एलसीएम लेते हैं तो हम इसमें वैल्यू देखते हैं, कॉमन हो चाहे ना हो, फैक्टर सारे लेने हैं, आपको कॉमन नहीं चेक करना, वैल्यू सारी लेनी है, जितने भी फैक्टर है 2 लेना पड़ेगा, 3, 5 जितने भी सारी वैल्यू लेनी है, बट विद द हाईएस्ट पावर. 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 5, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2 इधर है 5 इधर है, तो हाईएस्ट 5 होगी. 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 इधर है 2 इधर है 3 इधर है, तो 3 होगी. 7 की हाईएस्ट पावर क्या है 3 2 1, तो 3 होगी. 11 की हाईएस्ट पावर कॉमन हो चाहे ना हो लेना पड़ेगा 2 एंड देन 13. ये हमारा हो गया एलसीएम. तो एलसीएम में हमने क्या करना था, कॉमन हो चाहे ना हो ऑल फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर, ये हो गया हमारा एलसीएम. ठीक है जी, और इसमें कुछ और भी हैं हमारे, वो हम इस वीडियो के बाद करेंगे नेक्स्ट वीडियो में.